शिवाजी नगर सिग्नल पे आज दिल दहलाने वाला एक हादसा हुआ है जिससे पूरी गवंडी हिल गई है। आइए हम बात करते हैं केएम फाउंडेशन के चश्मदीद गवाह जो केएम फाउंडेशन के अध्यक्ष है सैयद अब्दुल सलाम से कि उन्होंने क्या देखा आज। मैं अपनी शॉप पे था जी, शॉप के सामने जब मैं बैठा हुआ था तो लोग आवाज़ आई मुझे बहुत ज़ोर से जी, और लोग भागने लगे तो मैं देखा बाहर निकल कर तो एक डंपर जो है सिग्नल जम कर गए, एक बुज़ुर्ग महिला को उसने कुचल दिया जी, और उसकी स्पॉट पे डेथ हो गई। वाक़या 5 से 5:15 बजे का था और हमने देखा कि मतलब यानी लोगों ने वो डंपर से उतरा, जो ड्राइवर था डंपर का वो उतर कर भागने लगा, कुछ लोगों ने उसके पीछे गया, आरटीओ के लोग उसके पीछे गए, वो भागते भागते ब्रिज के नीचे जो जिधर पे काम हो रहा है जी, उस ब्रिज के नीचे से जो पत्रा लगा हुआ है उसके अंदर घुस गया और वो जंप करके पत्रा भागना चाह रहा था, लोगों ने उसे पकड़ लिया। सुना जाता है कि यहाँ पर काफ़ी हादसे होते हैं ये शिवाजी नगर सिग्नल पर, तो आप बता सकते हैं कि मतलब पिछले ऐसे किस कई दिनों में ऐसे हादसे कब हुए थे? ऐसे तो आज से महीने, 2 महीने 4 महीने साल भर में होते ही रहते हैं और जो कि बहुत दर्दनाक होते हैं जी। और यहाँ पर कुछ एनजीओस मिलकर और कुछ लोग यानी कुछ प्रशासन के यानी एक्स नगर सेवक रह चुके हैं, उन्होंने भी बहुत यानी मांग की कि यहाँ फुटबर ब्रिज बननी चाहिए जी, मगर प्रशासन के कान में कोई जूर रेंगती नहीं है। बीएमसी ने कोई यानी कोई उस पर वो नहीं लिया ऑब्जेक्शन, और बच्चों जो स्कूल के छोटे छोटे बच्चे हैं वहाँ से क्रॉसिंग होते हैं, बुज़ुर्ग महिला क्रॉसिंग होती है, जवान लड़के हैं जो सब क्रॉसिंग होते हैं, तो ये अपनी मौत से खेलने वाला, यहाँ से मतलब अपनी जान से खेलने वाला, ये इतना बड़ा हादसा हो गया। सैयद साहब आप ये बताइए कि मतलब पुलिस प्रशासन क्या कर रही थी उस समय, इतना बड़ा हादसा हो गया, ये सिग्नल माना जाना सिग्नल है और लोग यहाँ से आते जाते हैं, मतलब इस हादसे में पुलिस ने कैसे रोल अदा किया अपना? पुलिस ने अपना बहुत अच्छे तरीके से किया, जिसमें PSI पठान मैडम थी जो अपने स्पॉट पर आई, और उस वक्त माहौल बहुत यानी बहुत ही ऐसा था माहौल कि कुछ भी लोग यानी डर गए थे कि मतलब यहाँ क्या हो रहा है, ये क्यों भागम भागी मची हुई है। उन्होंने आए और हमारे कुछ KM के मेंबर्स है, जनरल सेक्रेटरी सलीम शेख साहब जी और समीउल्ला जी, सोहेल शेख जी, ये लोग वहाँ पहुँचे जो कि वहाँ लोगों को समझाने लगे, बुझाने लगे और जो कि समझा कर निकले। तो आप अभी देखिए पठान मैडम ने इतने अच्छे तरीके से लिया, ये शिवाजी नगर की हैं पठान मैडम, PSI पठान मैडम, और देवनार सेक्शन के भी, ये सेक्शन जो है देवनार में आता है जहाँ ये हादसा हुआ, वो उधर देवनार पुलिस भी जगह पे आई और कंट्रोल कर फिर सब उसका सही हो गया, वो सब जो भी हुआ। मतलब ये हादसा जो हुआ है इसमें कितने कई लोग की जान गई है, मतलब ये डंपर से हुआ है तो कई लोग की जान गई है? मैं तो एक बहुत यानी बहुत पहले मेरे यानी मैं एक सामने ही था, मेरी शॉप के सामने ही था जी, वो कुछ पान वगैरह लेने जा रहा था तो मेरे सामने ही ऐसी कई देर हो चुकी है, यानी जैसे अभी आपने ये देखा अभी जो बुजुर्ग महिला का हुआ और एक और लेडीज़ का उसके साथ हुआ है जो हॉस्पिटल में एडमिट है अभी, और वो भी सीरियस मैटर में है, और दूसरे कोई ये जो और एक शायद लेडीज़ उसमें और ज़ख्मी है शायद जी। तो ये लोग यहाँ पर ये हादसा होता रहता है, जब तक फुटवेयर ब्रिज यहाँ पे नहीं बनेगा तब तक ये हादसे नहीं टल सकते। आप मेरे से मेरी मांग है प्रशासन से, BMC से, कि एक फुटवेयर ब्रिज का, और हमारी टोटल यहाँ की जो NGOs है उनकी तरफ से ये मांग है, और KM फाउंडेशन की NGO है जो वो भी मांग करती है कि यहाँ एक फुटवेयर ब्रिज आनी चाहिए, होनी चाहिए जी। ये थे सैयद अब्दुल सलाम KM फाउंडेशन के अध्यक्ष, ये बता रहे थे कि मतलब यहाँ पर आज जो हादसा हुआ वाकईतन इससे गवंडी पूरी हिल गई है, जिससे प्रशासन शासन और यहाँ के लोकल लोग, ये उनकी मांग थी कि वो फुट ओवर ब्रिज बनाए।